फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद शिखा। मैं हूँ शिखा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संतोषी माता के व्रत के लिए बिना खटाई और बिना प्याज लहसुन की थाली। मैं आपको रेसिपीज बनाकर दिखाऊंगी। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जिस तरह से आपने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया है, जो भी आपने सब्जियाँ वगैरह बनाई हैं वो हमको बनाकर दिखाइए। तो बस मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कप छोले भिगोने के लिए रख दिए थे 7 से 8 घंटे पहले, और जब अच्छे से ये फूल गए हैं तो मैंने इनको ले लिया है कुकर में, और दो आलू मैंने पील ऑफ करके डाल दिए हैं कुकर के अंदर। जितने पानी में ये डूब जाएंगे उतना पानी हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाल दिया है और 1 पिंच हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इससे चने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और मैंने लिए 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पान का पत्ता। और अब इनको हम बॉईल करेंगे 3 से 4 सीटी आने तक। और 1 कप मैंने लिए हैं देसी चने। ये माता के भोग में ज़रूर बनाए जाते हैं, तो जब भी आप ये उद्यापन करें तो इसमें ज़रूर बनाएं। 7 से 8 घंटे पहले मैंने इनको फूलने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। इनको मैंने ले लिया है कुकर में, इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, और 2 विसल आने तक हम इनको भी बॉईल कर लेंगे। और सब्ज़ी हम बिना प्याज लहसुन टमाटर की बनाएंगे, तो इसमें हम यूज़ करेंगे तरबूज मगज। तो मैंने यहाँ पर 25 ग्राम तरबूज मगज लिए हैं और इनमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गर्म पानी। अगर आप इनको पहले से फुलाने के लिए रखें तो ठंडे पानी में ही फुला सकते हैं। ये अच्छे से भीग जाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और हम कुछ मसाले तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बॉल में ले लिया है थोड़ा सा पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल मिर्ची। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों को बुला रहे हैं या बड़े बच्चों को। और थोड़ा सा मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सारे मसालों को हम पानी के साथ मिक्स कर देंगे और इनको फूलने के लिए रख देंगे बस 5 से 10 मिनट के लिए। और ये तरबूज मगज भी अच्छे से फूल गए हैं, इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया है। और अब मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा और 1 डालेंगे बेलीफ यानी कि तेजपान का पत्ता। अगर आप कुछ और खड़े मसाले भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खड़े मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से लंबे पीसेज में कट करके डाल दें, और चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और जैसे ही ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी फिर हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला। गैस की फ्लेम को लो रखें और मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को भून लें। और जब मसालों से तेल अलग हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे तरबूज मगज जिसको हमने ग्राइंड करके रखा है। तो ये देखिए मसाले से तेल अलग हो चुका है, तो ये तरबूज मगज का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने। और अब इसको भी हम मसालों के साथ भून लेंगे तब तक जब तक ये ऑयल अलग नहीं होने लगता है। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए छोले और आलू। आलू को आप चाहें तो तोड़कर डाल सकते हैं या फिर चाहें तो छोटे पीसेस में काट कर डाल सकते हैं। और हम मिक्स कर देंगे और छोले और आलू को हम मसाले के साथ 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये ढक दिया मैंने, और अब 2 मिनट बाद जब हमारे छोले मसाले के साथ भुन चुके हैं फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जितनी पतली सब्ज़ी की आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें। ये सब्ज़ी रखने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाती है थोड़ी देर बाद, तो आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है सब्ज़ी में, और ये सब्ज़ी सादा सिंपल बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में भी जब मैंने बनाई थी तो सभी को बहुत पसंद आई थी।
और अब बॉईल आ चुका है सब्जी में। आलू और छोले तो पहले से ही बहुत बढ़िया तरीके से कुक हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बस मिक्स कर दिया मैंने। और अब हम इसमें लगाएंगे एक फाइनल तड़का, तो उसके लिए मैंने कर लिया है 1 टेबलस्पून घी गरम। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। और बस मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सब्ज़ी बनकर तैयार है। और अब हम बना लेते हैं चने, तो उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला। इन सभी मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। इस तरह से जब हम मसाले डालते हैं ऑयल के अंदर तो मसाले जलते नहीं हैं और सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब कढ़ाई में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी फिर हम इसमें जो मसाले हमने भिगो कर रखे थे पानी में वो ऐड कर देंगे और ऑयल छोड़ने तक मसालों को भून लेंगे। और उसके बाद जो चने हमने बॉईल किए थे उनका सारा पानी निकाल देंगे और वो चने हम इन मसालों में ऐड कर देंगे। मिक्स कर देते हैं एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने चनों को बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो थोड़ा सा ध्यान से डालें। मैंने इसमें काला नमक और नमक दोनों ऐड किए हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है काले नमक से इन चनों में। और मैंने थोड़े से मूंगफली के दानों को रोस्ट करके उनको बारीक ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे चनों में और थोड़े से मसालेदार भी दिखेंगे। और बस मिक्स कर देंगे और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे लो फ्लेम पर। और बस बहुत ही टेस्टी चने बनके रेडी हैं। फाइनली इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो अब हम पूड़ी के लिए आटा बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप आटा। और पूड़ी को अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, गर्मा गर्म सर्व करना चाहते हैं, तो इसमें डालें 3 से 4 टेबलस्पून सूजी और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा ऑयल। माता के भोग की जो पूड़ियाँ बनती हैं वो बिना ऑयल के नहीं बनती हैं, तो आप भले ही 1-2 टेबलस्पून ऑयल डालें लेकिन ऑयल ज़रूर डालें। और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटे को बाइंड कर लेंगे जैसे कि हम पूरी का आटा नॉर्मली बाइंड करते हैं। और आटे को ढककर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम पुलाव बना लेते हैं। और तो कुकर में हम ले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। पुलाव देसी घी में ही बनाएं, ये बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3-4 काली मिर्च, 1 तेज़पान का पत्ता और 1 बड़ी इलायची। और इन सभी चीज़ों को हम सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 लंबे में स्लाइस की हुई हरी मिर्च और साथ ही डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कलरफुल शिमला मिर्च और 1 गाजर बारीक कटी हुई और थोड़े से मटर के दाने। तो इन सभी वेजिटेबल्स को हम डाल देते हैं कुकर में और हल्का सा सौते करेंगे। और राइस को मैंने भिगो कर रखा था 1/2 घंटे के लिए, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी राइस का पुलाव बनाया है और बस मैं राइस ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। और राइस को हम वेजिटेबल्स के साथ घी में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, गैस की फ्लेम को लो मीडियम करते हुए। और चावल भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी राइस के लिए 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है, इससे चावल बहुत खिले खिले और पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और बस कुकर को बंद करके 2 या 3 विसल आने तक चावल को कुक करें। और अभी हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो आटे को हम एक बार फिर से थोड़ा सा मैश करेंगे। और उसके बाद जितनी बड़ी साइज़ की हमको पूड़ियाँ बनाना है उतनी बड़ी हम लोई रेडी कर लेंगे और नॉर्मली जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पूड़ियाँ बना लेंगे।
पूड़ी को चारों तरफ से एक जैसा रोल करें, कहीं पतली कहीं मोटी ना रखें, इससे पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूलेंगी। और तेल को अच्छा गर्म कर लें, उसके बाद ही पूड़ी तलें और गैस की फ्लेम को भी हाई मीडियम रखें। तो ये देखिए मैंने पूड़ी डाल दी है और इस तरह से स्पून से थोड़ा सा दबा के पूड़ी को फुलाने की कोशिश करें। वैसे तो ये पूड़ी अपने आप ही फूल गई है। तो ये देखिए इतनी बढ़िया रेड कलर की पूड़ी बनके रेडी हुई है। इस तरह से आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाएं और बच्चों को सर्व करें। अगर आप बनाने वाले अकेले हैं तो बनाकर रख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो बस ये देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बिना प्याज लहसुन टमाटर की थाली बनके रेडी है। आप चाहें तो इसमें पापड़ वगैरह भी रख सकते हैं, मगर ये आप कंफर्म कर लें कि पापड़ में किसी भी तरह की खटाई नहीं होनी चाहिए। ककड़ी से आप थाली को डेकोरेट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मैंने खीर बनाई है अभी सेवैयाँ की। पारंपरिक ट्रेडिशनल चावल की खीर की रेसिपी की लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगी वीडियो के लास्ट में। तो आप उस तरह की चावल की खीर बनाएं, सेवैया की खीर ना बनाएं। चावल की थोड़ी सी खीर बनाकर दिखाने में वो मज़ा नहीं आता। बस एक बात का ध्यान रखें कि खीर में किशमिश नहीं डालना है। वैसे तो किशमिश ड्राई फ्रूट्स में आती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अंगूर से बनती है तो खट्टी होती है, इसलिए आप किशमिश ना डालें। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी और ईजी थाली की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।